नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। और आज हम लोग फिर से आ गए हैं एक नई जोड़ी के बारे में बात करें। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे आर और के की जो जोड़ी होती है वो कैसी होती है और क्या दोनों को एक करता है और क्या दोनों को डिफर करता है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आप प्राप्त कर पाएँ और आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। देखिए, के अक्षर वाले जो लोग होते हैं और आर अक्षर के जो लोग होते हैं, ये दोनों ही प्यार में एक दूसरे का साथ देते हैं। और कहीं ना कहीं जो आर अक्षर है वो न्यूमरोलॉजी में 9 अंक के बराबर होता है, जो कहीं ना कहीं बुद्धिमत्ता और मानवता का प्रतीक है। आर वाले काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं, बुद्धि, उदारता, इंट्यूशन यानी कि दूरदर्शिता काफ़ी अच्छी होती है, और आदर्शवाद, चीज़ों को तरीके से चलाना, ये इन्हें काफ़ी अच्छे से आता है। ये अपने दोस्तों से बहुत प्यार करते हैं और ख़ास ख्याल भी रखते हैं। वहीं के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें तो ये लोग मेहनती होते हैं और ये लोग हार ना ही मानते, बिल्कुल हार बिल्कुल नहीं मानते, अपने काम में लगे रहते हैं और मेहनत से नौकरी करते हैं और अपने काम को पेंडिंग कभी नहीं करते। क्योंकि अगर ये पेंडिंग करेंगे काम को तो कहीं ना कहीं इनके बॉस से ज़्यादा इन्हें खुद चिंता रहती है, और यही चीज़ आर के साथ भी रहती है। आर अपने काम में पूरे होते हैं और कहीं ना कहीं आगे अपने आप को दूरदर्शिता के कारण, क्योंकि उनके दोनों के आर और के जो आदर्श होते हैं वो सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग होती है, और दोनों के दोनों बहुत ही दूर तक सोचते हैं और कहीं ना कहीं स्थितियां काफ़ी बेहतर इनके लिए रहती हैं। हालांकि के जो होता है उतना इनिशिएटिव नहीं लेता प्यार में, और ये ज़रूर कहूँगा कि हार नहीं मानते हैं, लेकिन इनिशिएटिव ये खुद से नहीं लेते, ये चाहते हैं कि इन्हें कोई प्यार करे। हालांकि स्वभाव में बहुत ही सरल देखे जाते हैं के अक्षर वाले, और इतनी जल्दी गुस्सा भी नहीं आता। वेट, पेशेंस का दूसरा नाम है, आप वेट कर सकते हैं और हर व्यक्ति के साथ बहुत ही सरल स्वभाव, बहुत ही मधुरता से मिलना, ये इनका स्वभाव रहता है। वही चीज आर के अंदर इनको मिलती है। आर दूसरे हितों के लिए काम करता है और अपने प्रवृत्ति, अपने व्यक्तित्व से दूसरों को प्रभावित करता है। तो जब ये दोनों मिलते हैं तो कहीं ना कहीं इनकी जो बॉन्डिंग होती है वो काफ़ी बढ़िया होती हुई दिखाई देती है। आर बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होता है, वहीं के हमारा थोड़ा सा डाउन टू अर्थ होता है, ट्रेडिशनल वे में चलने वाला होता है। तो दोनों की जब बॉन्डिंग हो जाती है तो काफ़ी हद तक दोनों चीज़ों का जो समन्वय है, जिसे हम बोलते हैं, वो वहाँ पर हो जाता है और अपनी छाप दोनों एक दूसरे को छोड़ देते हैं और बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है। आर लग्जरीस लाइफ पसंद करता है, वहीं के जो है थोड़ा सा सिंपल लिविंग में आना पसंद करता है। तो यहाँ थोड़ी सी आर्गुमेंट्स होते ज़रूर हैं, लेकिन एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं और कहीं ना कहीं दिक्कतें जो होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। देखिए, बहुत सामान्य आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ जो हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं एनालिसिस करते समय। दोनों में दयालु उदारता भरी हुई होती है और दूसरों की परेशानियों को देखकर दोनों ही हेल्प करते हैं। दोनों ही इमोशनल होते हैं, जिससे दोनों को नुकसान भी होता है, दूसरे बहुत अच्छे से फ़ायदा भी उठाते हैं। ये बात भी एक फैक्टफुल है दोनों के लिए। और दोनों का जो गुस्सा है बस इतना यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि आर का जब गुस्सा आता है तो बहुत तेज़ गुस्सा आता है, के बात नहीं करता, अगर गुस्से में है तो बात नहीं करेगा, बात छोड़ देगा। और दोनों में क्यूरियोसिटी होती है, बस थोड़ा सा स्वभाव का अंतर होता है। एक्साइटमेंट आर में ज़्यादा है, के में थोड़ी कम है। तो ये हुई एक छोटी सी आपसे बात, कैसी लगी वीडियो, कौन सी जोड़ी के बारे में देखना चाहते हो, आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग ही बनाता हूँ। आपके कमेंट्स जब मैं पढ़ता हूँ तब मैं डिसाइड करता हूँ कि हाँ, इस पे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, मैं आपसे इस पे वीडियो बनाऊँ। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा आपको, तो फटाफट से एक लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।